अल्लाह मैं हूं शाहनवाज अली कादरी और आप बाबर कराची देख रहे हैं आज एक और आपके लिए हम वीडियो लेकर आए हैं जिसमें अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करेंगे जो दो रोज़ कबल मच्छर कलोनी में पेश आया ज़ोरदार धमाका हुआ और जिसके नतीजे में बच्चे समेत तीन अफराज जाँ हो गए हमारे घरों में गैस नहीं आ रही और जो आल्टरनेट हम लोगों ने अख्तियार किया है वो है गैस सिलेंडर का और शहर भर में जो है अब इस तरह की दुकानें खुल चुकी हैं जहाँ पर ये गैस सिलेंडर भरे जाते हैं और ना सिर्फ भरे जाते हैं बल्कि बहुत सारे ऐसे शहरी हैं जो होटल्स और जो दीगर जो घरों में ये सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं मच्छर कॉलोनी का हक्कानी चौक है जहाँ नूर उस्लाम नामी एक शख्स है जिसने अपनी दुकान किराए पर दी और ये दुकान किराए पर दी उसके बाद वहाँ पर जो है सिलेंडर का, का काम शुरू हो गया सुबह के वक्त एक सिलेंडर भरने वाली गाड़ी आती है जो सिलेंडर मुंतकिल कर रही होती है कि अचानक तो ज़ोरदार धमाका होता है सिलेंडर फटने से घर की जो दीवार है वो गिर जाती है उसके साथ जो घर बना हुआ है वो भी गिर जाता है फुटेज जो है आप साथ में देख रहे हैं कि ये इतना ख़तरनाक धमाका था कि दूर दूर तक इसकी आवाज़ सुनी गई और मलबे तले दबकर तीन अफराज जहाँ भाग हुए जिसमें से एक बच्चा भी शामिल था और दो अफराद तो वो थे जिनका कोई कसूर भी नहीं था क्योंकि इस घर के साथ एक बिल्डिंग है जहाँ पर ये घर बना हुआ था और सामने की जानब जो आपको फुटेज में भी नज़र आ रहा होगा कि दुकान है और इस दुकान में धमाका हुआ वाके के बाद पुलिस पहुंची तहकीक़त हुई अब वाके का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है लेकिन सूरत हाल ये है कि कराची वाले जाए कहाँ घरों में गैस नहीं आ रही मुतबाद के तौर पर अगर सिलेंडर रखें तो वो धमाके से फट जाते हैं और जाने चली जाती हैं इंतज़ामिया को सोचना होगा गैस देनी होगी या गैस का कोई मुतबाद हमारे लिए करना होगा क्योंकि ये तरीक़ेकार जो अब चल रहा है शहर में इसी तरीके से शहर में बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर इस तरह के सिलेंडर मौजूद हैं जो किसी वक्त भी फट सकते हैं और किसी तरह का भी बड़ा नुकसान हो सकता है जी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए